अधीक्षक के निर्देशन में अवैध शराब की बिक्री निष्करण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान, थाना पूरे भार सुल्तानपुर में स्पेशल टास्क फोर्स जनपद प्रयागराज व थाना पूरे भार पुलिस के संयुक्त अभियान में दिनांक 18 मई 2020 को जमौली बॉर्डर से वाहन संख्या PB10CY9399 से 425 पेटी में कुल 5100 बोतल कुल 3825 लीटर शराब के साथ दो अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा 135-20 धारा 419-420, 467, 468, 471 ITC व 67-2XX से संबंधित अभियुक्त गण परमजीत सिंह पुत्र जसवंत सिंह निवासी पंजाबी बाग थाना पिप्पा रोड जनपद लुधियाना, जसविंदर सिंह उर्फ जस्सी पुत्र योगेंद्र पाल निवासी ग्राम भूतगढ़ थाना मेहरबान जिला लुधियाना पंजाब को गिरफ्तार किया। सर क्या मामला था? आज परमजीत और जसविंदर जो लुधियाना पंजाब के रहने वाले हैं, ये फैजाबाद से सुल्तानपुर होते हुए बिहार जा रहे थे ट्रक पर दारू लेकर के, जिसमें 5100 बोतल दारू थी, जिसको STF प्रयागराज व पूरे भारत पुलिस द्वारा जमौली बॉर्डर पर चेक पोस्ट पर चेक किया गया, जहां से उनको गिरफ्तार किया गया। सर क्या बजे का मामला है, लगभग पूरा डिटेल? यह करीब 11 बजे सुबह का मामला है। तो इसमें कितने सीसी या कितनी बोतल? 5100 बोतल दारू बरामद हुई है और दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य बिंदुओं की जांच की जा रही है, कहां से आया दारू से जानकारी की जा रही है। सर ये इतना बड़ा गुडवर्क है तो थानाध्यक्ष का को थानाध्यक्ष को कुछ पुलिस अधीक्षक द्वारा कोई प्रोत्साहन या कोई? इसमें STF और लोकल पुलिस भी रही है, अधिकारी द्वारा उच्च अधिकारियों द्वारा निश्चित इनाम दिया जाएगा और उसमें भी जैसा कार्रवाई अवगत कराया जाएगा।